स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बेटी करण का खून। करण का खून? बेटा उस बात के तो मैं बेहद अफसोस है। और जो विराट ने, विराट ने कुछ नहीं। करण का खून मैंने किया है। मैंने क्या? तू क्या कह रही है? अमित बात तो साफ हो जाती है कि विराट बेकसूर है। उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। Right. गोली जीविका ने चलाई। केस की तैयारी कैसी चल रही है? अजी वो हुआ, क्या बात है बेटा? तुम इतने घबराए हो क्यों? नहीं दादाजी, वो चल रही है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद तुम दोनों मुझे स्टडी रूम में मिलो। जी। जी, इसे फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे वरीन जी, खाने में मैंने आपके फेवरेट डिशेस बनाए हैं, भिंडी फ्राई, शाही पनीर, मेथी पराठे। आप जल्दी आइए। हाँ से एक बात कहूं, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूं।
का लिए मौका फिर मिले या ना मिले। क्या कहा तुमने? कभी दोबारा ऐसा मत कहना। कहना क्या, सोचना भी मत। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ मुझे बचाने के लिए अपने आप अपनी जान लगा दोगे, कोई कसर नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर भी कल क्या होगा क्या पता। इसलिए प्रेम जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे कल को मैं कहीं पे भी रहूं, आपसे दूर या पास, आप हमेशा मुझे अपने दिल के करीब महसूस करेंगे। फिर चाहे किस्मत हमें भले कितने ही दूर करते, हमारा प्यार कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकता। किस्मत भी अगर चाहे ना तो भी हमें दूर नहीं कर सकते। वादा किया ना तुमसे तो कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होने दूंगा। जीविका बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जी जीविका बेटा क्या बात है? जी क्या बोलूं मैं आपसे, कैसे बताऊं आपको? क्या किया बेटा, जल्दी बोल, मेरा दिल बैठे जा रहा है। करण का खून। करण का खून? बेटा उस बात के लिए तो मैं बेहद अफसोस है, और जो विराट ने भी, विराट ने कुछ नहीं किया। करण का खून मैंने किया है, मैंने। अब क्या होगा मुझे नहीं पता बीच, मैं अपने गुनाहों की सजा किसी और को भुगतने नहीं दूंगी। राठ बेकसूर है, राठ और मानवी की जिंदगी को तबाह होते मैं नहीं देख सकती, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे बीच, मेरा वादा है आपसे। कल विराट के केस की सुनवाई है, पता नहीं अदालत क्या फैसला सुनाएगी, क्या होगा विराट का। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि विराट ऐसे कैसे कर सकता है। माना कि करण एक अच्छा इंसान नहीं था, पर कोई किसी पर गोली कैसे चला सकता है? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि विराट किसी का खून करेगा। या आजकल के बच्चे भी ना, दिमाग में सोच से पहले गुस्सा आ जाता है। एक बार ये तो सोचा होता कि वो शादीशुदा है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने साथ साथ अपनी बीवी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, हैरान हूं मैं। नहीं बस
हैरान तो मैं अपनी खामोशी पे हूं क्योंकि मैं सब सच जानती हूं। कैसा सच पीछी? करण के खून के पीछे एक राज है। जीविका का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि विराट ने करण का खून नहीं किया। विराट खूनी नहीं है? तो फिर किसने किया है? नसरी कातिल का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कौन है असली कातिल बीजी? हमारी जीविका। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।